हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कैविटी ऑफ द लैरिंग्स की, और उसमें मैं आपको पहले कैविटी और इनलेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कैविटी को। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये हमारा माउथ शुरू हो रहा है, ठीक है। ये टंग है नीचे की तरफ, ये माउथ नीचे आ रहा है, ये देखो आ रहा है माउथ के बाद। ये जो है पीछे ये फेरिंग्स है, ये पूरा फेरिंग्स है। और फेरिंग्स के इधर आप अगर देखोगे तो ये क्या प्रेजेंट है, ये है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। यहाँ से हम लैरिंग्स में एंट्री ले लेते हैं, तो इसके थ्रू हम लैरिंग्स में एंट्री लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये था हमारा इनलेट ऑफ लैरिंग्स। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था नीचे ये था वोकल फोल्ड, ऊपर की तरफ था वेस्टिबुलर फोल्ड। ये हमने बात कर ली थी, ऊपर क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, नीचे कॉनस इलास्टिकस। तो अभी मैं आपको कैविटी के बारे में थोड़ा बताऊं, तो ये है हमारा कैविटी ऑफ द लैरिंग्स। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इनलेट ऑफ द लैरिंग्स से लेके क्रिकोइड के लोअर बॉर्डर तक जाती है। ये इनलेट ऑफ लैरिंग्स से क्रिकोइड के लोअर बॉर्डर तक जो ये कैविटी प्रेजेंट है, इसे हम कैविटी ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं। दरअसल होता क्या है कि जो कैविटी है वो तीन पार्ट्स में बटी हुई होती है। तो तीन पार्ट्स होते हैं कैविटी के, एक तो इस वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर वाला पार्ट, एक वोकल फोल्ड के नीचे वाला पार्ट, और एक दोनों के बीच में जो मैंने बताया था साइनस ऑफ द लैरिंग्स। तो अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। तो अब देखते हैं इनलेट ऑफ द लैरिंग्स को। तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स की बात करें तो कैविटी ऑफ लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम इनलेट ऑफ द लैरिंग्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर। ये मैंने आपको अभी दिखाया डायग्राम में। इनलेट ऑफ लैरिंग्स ओब्लीकली प्लेस्ड है, टेढ़ी थी इस तरह से। कहाँ खुल रही थी, पीछे की तरफ खुल रही थी। पिछले डायग्राम इस तरह देखो, इस डायग्राम में भी देखो इनलेट है, ये पीछे की तरफ खुल रही है पोस्टीरियर में। तो अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स इसकी डायरेक्शन होती है। तो देखने में कैसा लगता है, बैकवर्ड एंड अपवर्ड दिखती है हमको। इनलेट ऑफ द लैरिंग्स की बात चल रही है, ये इनलेट की बात कर रहा हूं मैं। ओपन करती है पीछे, लैरिंगोफेरिंक्स है, लैरिंग्स के पीछे वाला फेरिंक्स का पार्ट क्या कहलाता है, लैरिंगोफेरिंक्स। तो उसमें ओपन करती है, बाउंडेड एंटीरियरली बाय द एपिग्लोटिस। इनलेट ऑफ लैरिंग्स, ये इनलेट है, ये पूरी इनलेट है। इसके आगे की तरफ एपिग्लोटिस है, पीछे की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, इंटर एराइटिनॉइड फोल्ड। दोनों एराइटिनॉइड के बीच में फोल्ड प्रेजेंट होता है, उसे हम इंटर एराइटिनॉइड फोल्ड बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन का। तो वो पोस्टीरियरली होता है, और दोनों तरफ एराई एपिग्लोटिक फोल्ड, ये एराई एपिग्लोटिक फोल्ड दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं इनलेट के। तो इनलेट ऑफ लैरिंग्स इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय एपिग्लोटिस, posteriorly by the interarytenoid fold of mucous membrane, and on each side by the ari epiglottic fold. तो ये तो इनलेट की बात होगी नॉर्मल सी। अब होता क्या है, कैविटी ऑफ लैरिंग्स के अंदर हमने बात की थी दो फोल्ड प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, एक तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का फोल्ड है और एक कॉनस इलास्टिकस का फोल्ड है। तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है ऊपर की तरफ, जिसे हम वेस्टिबुलर फोल्ड बोलते हैं, और कॉनस इलास्टिकस का फोल्ड होता है वोकल फोल्ड, जो नीचे की तरफ होता है कुछ इस तरह। देखो इस तरह से पीछे से देखे तो ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं ये दो फोल्ड। तो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस, दो वेस्टिबुलर फोल्ड हैं, दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच के स्पेस को बोलते हैं रीमा वेस्टिबुलाई। तो दोनों वेस्टिबुलर, देखो दो वेस्टिबुलर फोल्ड ऊपर है, दो वोकल फोल्ड नीचे है, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, रीमा वेस्टिबुलाई। दो वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा ग्लोटिडिस, और एक तरफ के जो वेस्टिबुलर फोल्ड है और वोकल फोल्ड है उनके बीच का स्पेस साइनस। तो इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ये देखो ये ऊपर की तरफ वेस्टिबुलर फोल्ड है, नीचे की तरफ वोकल फोल्ड है। वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस, वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा ग्लोटिडिस, वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा नहीं सॉरी वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा वेस्टिबुलाई, एंड वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा ग्लोटिडिस। ये देखो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये आगे की तरफ ऊपर की तरफ प्रेजेंट है दो वेस्टिबुलर फोल्ड, ठीक है, ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है दो वोकल फोल्ड। अब दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस, दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा वेस्टिबुलाई, दो वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस रीमा ग्लोटिडिस, और वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं साइनस ऑफ द लैरिंग्स। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड इज रीमा वेस्टिबुलाई, स्पेस बिटवीन टू वोकल फोल्ड इज रीमा ग्लोटिडिस, एंड वोकल फोल्ड जो है वो अटैच कहाँ पे होता है, वोकल कॉर्ड कहाँ पे अटैच थी, आगे की तरफ कहाँ अटैच थी, ये देखो इधर दो वोकल फोल्ड अटैच थे ना,
यहाँ पे दोनों वोकल फोल्ड अटैच थे, तो अटैच टू द मिडल ऑफ द एंगल ऑफ थायराइड कार्टिलेज ऑन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। आगे से थायराइड ऐसा दिखता है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जुड़ते हैं ना दोनों वोकल फोल्ड, और पोस्टीरियरली कहाँ जुड़ते हैं वोकल फोल्ड, वोकल प्रोसेस ऑफ द राइट इनर्ड। देखो ये मैंने दिखाया था ना ऑरेंज कलर में वोकल प्रोसेस, इसको मैंने बोला था यहाँ पे वोकल फोल्ड जुड़ते हैं पीछे की तरफ। तो अब रीमा ग्लोटिडिस की बात करें, रीमा ग्लोटिडिस किसके बीच का स्पेस था, दोनों वोकल फोल्ड के बीच का स्पेस था रीमा ग्लोटिडिस। तो रीमा ग्लोटिडिस इज लिमिटेड पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ अगर बात करें तो ये लिमिटेड होती है इंटर राइट इनर्ड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो ये दो राइट इनर्ड है, इन दोनों के बीच में पीछे की तरफ ये दोनों है, ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये दो हमारे पास प्रेजेंट है राइट इनर्ड कार्टिलेज, इनके पीछे की तरफ एक फोल्ड है, ये पीछे की तरफ ऑरेंज कलर में एक फोल्ड दिख रहा है इंटर राइट इनर्ड फोल्ड। तो जो हमारे वोकल फोल्ड है वो यहां तक ही आ पाते हैं, इससे पीछे नहीं जाएंगे, तो लिमिटेड पोस्टीरियरली बाय द इंटर राइट इनर्ड फोल्ड। और आगे की तरफ कहां तक जाते हैं, थायराइड कार्टिलेज, ये देखो ये आगे की तरफ ये थायराइड प्रेजेंट है, यहां तक ये जाते हैं थायराइड के, इधर यहां पे जाते हैं इस तरह से। तो रीमा ग्लोटिडिस का एक आगे की तरफ इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है और पीछे की तरफ इंटर कार्टिलेजिनस। इंटर कार्टिलेजिनस का क्या मतलब हुआ, ये दो राइटिनॉइड है ना, इन दो राइटिनॉइड के बीच में यहाँ पे जो वोकल फोल्ड प्रेजेंट होंगे वो कार्टिलेज के बीच में आ रहे हैं, तो इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट उसको बोलते हैं। 2/5 पार्ट इंटर कार्टिलेजिनस होता है वोकल फोल्ड का और 3/5 पार्ट इंटर मेम्ब्रेनस होता है। ऐसे देखो ये दो हमारे पास राइटिनॉइड है और इस तरह से वोकल फोल्ड ऐसे आगे की तरफ जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसे इस पार्ट ऑफ जो वोकल फोल्ड का है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कार्टिलेजिनस पार्ट, और आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस पार्ट। नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ लैरिंग्स है रीमा ग्लोटिडिस। अब वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड, पिछली वीडियो मैंने बोला था वेस्टिबुलर और वोकल फोल्ड कैविटी ऑफ लैरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है सुप्रा ग्लोटिस, एक है साइनस और एक है इंफ्रा ग्लोटिस। मतलब क्या हुआ, वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर वाला पार्ट सुप्रा ग्लोटिस या फिर वेस्टिब्यूल ऑफ लैरिंग्स, दोनों के बीच का पार्ट वेस्टिबुलर फोल्ड और वोकल फोल्ड के बीच का पार्ट साइनस या वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स, और वोकल फोल्ड के नीचे वाला पार्ट इंफ्रा ग्लोटिडिस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइनस ऑफ मोरगैग्नी और वेंट्रिकल ऑफ द लैरिंग्स। होता क्या है, देखो ये दो फोल्ड आए ऊपर से वेस्टिबुलर फोल्ड, दो फोल्ड आए नीचे से वोकल फोल्ड, ठीक है। अब इन दोनों फोल्ड्स के बीच में से एक एक्सटेंशन जाती है इस तरह से, इस एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स। पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाया था सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स हम इसको बोलते हैं। अब साइनस ऑफ मोरगैग्नी क्या है, एक नैरो फ्यूजिफॉर्म क्लेफ्ट है, मतलब दोनों के बीच का एक स्पेस है, सिंपल बात यह वेस्टिबुलर वोकल फोल्ड के बीच का एक स्पेस है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस एक्सटेंडेड एज अ डायवर्टिकुलम टू फॉर्म सेक्यूल। अभी मैंने दिखाया ना ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द साइनस क्या बनाता है, एक एक्सटेंशन दे देता है जिसे हम बोलते हैं सेक्यूल ऑफ द लैरिंग्स। इस सेक्यूल के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वोकल फोल्ड को ल्यूब्रिकेशन करते हैं, क्योंकि वोकल कॉर्ड में कोई म्यूकस ग्लैंड नहीं होता, इसीलिए हमें सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स से जरूरत पड़ती है, वो जो है वोकल फोल्ड को जो ल्यूब्रिकेट करता है, और इसीलिए इसको जो सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स है इसको बोलते हैं ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स। ये हमने सारी बात कर ली कैविटी की। अब जो लास्ट इसमें टॉपिक है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स, आज का लास्ट टॉपिक है, लैरिंग्स का भी पार्ट्स बचे हैं मसल्स वगैरह। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स की बात करें, लैरिंग्स पूरी तरह से सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम से नहीं बना होता, मतलब इट इज लाइंड बाय द सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम, एक्सेप्ट कुछ जगह पे सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथीलियम नहीं होती। कौन कौन सी जगह पे, वो है एपिग्लोटिस, एक है अपर पार्ट्स ऑफ द एराई एपिग्लोटिक फोल्ड और एक है वोकल फोल्ड। तो एपिग्लोटिस का एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस का अपर हाफ एपिग्लोटिस है, इसका पूरा एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस का अपर हाफ, यहाँ पे सिलिएटेड कोलुमनर नहीं होता। एराई एपिग्लोटिक जो फोल्ड है, एराई एपिग्लोटिक फोल्ड का अपर पार्ट सिलिएटेड कोलुमनर नहीं होता, और वोकल फोल्ड्स पूरी तरह से सिलिएटेड कोलुमनर नहीं होती। यहाँ पे कौन सा जो एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। तो
पूरा लैरिंग सिलेटेड कोल्यूमनर से लाइंड होता है इन जगह को छोड़ के। इस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम। वोकल कॉर्ड या फिर वोकल फोल्ड तो जरूर याद रख लेना कि यहाँ पे सिलेटेड कोल्यूमनर नहीं होता। म्यूकस ग्लैंड्स आर एब्सेंट ओवर वोकल कॉर्ड, ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो हमने कैविटी ऑफ द लैरिंग्स की वीडियो में बात की, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे मसल्स ऑफ द लैरिंग्स की। मैं आपको पूरी समरी शुरू से दूं अब तक की। तो हमने क्या बोला, कैविटी ऑफ लैरिंग्स में इनलेट ऑफ लैरिंग्स से स्टार्ट होकर क्रिकॉइड के लोअर बॉर्डर तक जा रही थी। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। नीचे की तरफ कॉनस इलास्टिकस, दोनों बीच में एक फोल्ड देते हैं। क्वाड्रेट मेम्ब्रेन का जो लोअर बॉर्डर है वो क्या फोल्ड देता है? वेस्टिबुलर फोल्ड। और कॉनस इलास्टिकस का अपर बॉर्डर क्या फोल्ड देता है? वोकल फोल्ड। दोनों फोल्ड के बीच के स्पेस को हमने बोला था साइनस। दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच के स्पेस को हमने बोला रीमा वेस्टिबुलाई। दो वोकल फोल्ड के बीच के स्पेस को मैंने बोला रीमा ग्लोटिडिस। और दोनों के बीच का क्या था? साइनस। वो अलग बात थी, साइनस की एक एक्सटेंशन थी जिसे हमने क्या बोला था? सेक्यूल ऑफ लैरिंग्स। उसके बाद हमने म्यूकोसा की बात की, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की लैरिंग्स की। तो इस तरह से आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।